नमस्कार, मैं शुभम किशोर और लाइव लगातार लेकर आया है ओलंपिक से जुड़ी खास अपडेट पहले दिन की। आज का दिन भारत के लिए खास रहा। ओलंपिक के इतिहास में पहली बार भारत ने पहले दिन पदक हासिल किया। वेटलिफ्टिंग के 49 केजी वर्ग में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता। इस वर्ग में भारत को 21 साल बाद पदक हासिल हुआ। प्रधानमंत्री सहित खेल मंत्री एवं अन्य राजनेताओं ने मीराबाई चानू को शुभकामनाएं दी। वहीं बात करें अन्य खेलों की तो भारत के लिए एक दिन कुछ खास नहीं गुजरा। मेंस हॉकी में भारत ने अपना दबदबा कायम रखते हुए न्यूजीलैंड को 3-2 से शिकस्त दी। हालांकि महिला हॉकी टीम में भारत की हार हुई और 4-1 से नीदरलैंड से हार का सामना करना पड़ा। वहीं 100 मीटर राइफल शूटिंग में महिला पुरुष दोनों वर्ग में भारत को सफलता हाथ नहीं लगी। मिक्स टीम आर्चरी में दीपिका और प्रवीण की जोड़ी अपना कमाल नहीं दिखा सकी और क्वार्टर फाइनल में कोरियन टीम ने उनका जीत का सपना तोड़ दिया। वहीं बात करें बॉक्सिंग की तो भारतीय होनहार खिलाड़ी विकास कृष्णन अपना जलवा नहीं बिखेर पाए। साथ ही जूडो, टेबल टेनिस और बैडमिंटन में भी भारत को निराशा हाथ लगी। वहीं बात करें टेनिस की तो सुमित ओलंपिक सिंगल में पहले दौर में जीत हासिल करने वाले भारत के तीसरे खिलाड़ी बन गए। हालांकि इन तमाम हारों के ऊपर मीराबाई चानू की जीत ने भारतीयों का दिन बना दिया। आज की इस वीडियो में इतना ही। ओलंपिक अपडेट्स के लिए जुड़े रहें लाइव लगातार के साथ और पढ़ते रहें लगातार.in। चीयर फॉर इंडिया। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।